राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली चंबल नदी पर बना पाली पुल सुसाइड पॉइंट बन चुका है। पिछले 2 साल की बात की जाए तो चंबल स्थित पाली पुल से 1.5 दर्जन से भी अधिक लोगों द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आ चुका है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक के तौर पर कोई कदम नहीं उठाए गए। बात चाहे राजस्थान पुलिस की जाए या मध्य प्रदेश पुलिस की, दोनों राज्यों की पुलिस का रवैया एक सा ही देखने को मिला है। चंबल नदी और उस पर बना पाली पुल के बीचों बीच मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा का बंटवारा करता है। ऐसे में दोनों किनारों पर बनी राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस चौकी की पुलिस को हादसे को लेकर भी एक दूसरे के इलाके की बात करनी पड़ती है। चंबल नदी के पुल के ऊपर अगर ऊंची बैरिकेडिंग जिस तरह धौलपुर में है, अगर वैसी ऊंची बैरिकेडिंग लग जाए तो संभवतः आत्महत्या के बहुत कम मामले चंबल पर पैदा होंगे। या तो कि जाल की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा, बहुत घटनाएं कम हो सकती हैं। फिर जाल लग जाए तो पुलिया खुली गई। सर, पुलिस को इसमें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? इसमें तो डेड बॉडी नहीं मिलती, इतने तलाश करनी पड़ती है, जहाँ तक समस्याएं तलाश करने में आती है। सर, कई बार सीमा विवाद की स्थिति पैदा होती है तो उसमें क्या किया जाता है? सीमा विवाद में तो जैसे ओली तरफ होता है तो हम चले ही जाते हैं, और नहीं तो उधर से वो मध्य प्रदेश पुलिस कोऑपरेट करती है, शोपुर से आ जाते हैं।